हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी क्या है और इसका क्या सिलेबस है, कैसे करें यूपीएससी की तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें यूपीएससी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं फ्रेंड्स, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस की। सिलेबस से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए, एनीथिंग, उसमें से आप किसी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट है फ्रेंड्स 21 से 32, ये जनरल कैटेगरी की है फ्रेंड्स, 21 से 32 साल। अब बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस की। यूपीएससी भारत के बहुत से कठिन एग्ज़ामों में से एक है फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत से चरणों से गुजरना होता है। पहला जो आपका पेपर होता है फ्रेंड्स, वो प्रीलिम्स का होता है और ये दो पेपर होते हैं फ्रेंड्स प्रीलिम्स में। अब बात आती है मेंस की। मेंस में होते हैं 9 एग्ज़ाम। मेंस के बाद आता है फ्रेंड्स इंटरव्यू। इसमें आपके उठने बैठने बोलने चालने का जो तरीका है उसे जांचा जाता है। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। बस आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेना फ्रेंड्स, फिर आप खुद अनुभव करोगे कि आज इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में फ्रेंड्स दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में जीके एंड जीएस होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स और 200 नंबर के आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये पेपर 2 घंटे का होता है फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। अब बात आती है प्रीलिम्स के पेपर 2 की। ये पेपर है सी सेट का। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स। टाइम वही रहेगा 2 घंटे का। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक नोट करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये नोट करते चलिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर इन सब को नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स जो पहले 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, मतलब इनमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है वो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको यहीं पर मार खानी पड़ती है। वो कैसे, ये जो 2 पेपर होते हैं इनमें 1 पेपर इंग्लिश का होता है फ्रेंड्स, जो हर बच्चे को देना होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। हर जिसने फॉर्म फिल कर रखा है उसे हर एक इंसान को वो पेपर देना पड़ेगा। और एक होता है हिंदी ले लो या फिर और कोई सब्जेक्ट ले लो, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। पर इंग्लिश का पेपर है वो तो आपको देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। वो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला पेपर होता है उसके 30% मार्क्स लेने होते हैं आपको,
और जो दूसरा पेपर होता है उसका 25% लेना होता है आपको। ये बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। जो अगला पेपर होता है नंबर 3 जो पेपर है वो है ऐसे राइटिंग का। इसमें एक पेपर होता है फ्रेंड्स जो कि 250 नंबर का होता है। इससे आगे देखिए फ्रेंड्स जो कि है जीके एंड जीएस का। ये 4 पेपर होते हैं फ्रेंड्स इसमें। ये जो 4 पेपर होते हैं फ्रेंड्स ये भी 250-250 नंबर के होते हैं। और फिर होते हैं 2 पेपर जो कि ऑप्शनल होते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और दोनों पेपर 250-250 नंबर के होंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो आपको सबसे बेस्ट जो आपका सब्जेक्ट है जिस पर आपकी कमांड सबसे ज़्यादा है आप वो सब्जेक्ट चूज़ करके ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 250-250 नंबर के होते हैं यानी कि 500 नंबर तो आपके हाथ में ही होते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर हैं आप इस ऑप्शनल जो पेपर होंगे इनसे गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 500 नंबर के होंगे दोनों पेपर तो आप इसमें 350 से ऊपर नंबर लेके आराम से आ सकते हैं फ्रेंड्स। मेंस में फ्रेंड्स 9 पेपर होते हैं टोटल और प्रीलिम्स में 2 होते हैं। लेकिन बात ये आती है फ्रेंड्स अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया यानी कि आप उसमें पास नहीं हुए तो आप मेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और जो ये सी सेट वाला होता है प्रीलिम्स में जो पेपर सी सेट का होता है ये भी क्वालिफाइंग होता है फ्रेंड्स। इसमें आपको ओनली 33% ही नंबर लाने होते हैं। मेरिट आपकी जीके एंड जीएस जो प्रीलिम्स में जीके एंड जीएस है उसी से आपकी मेरिट बनती है। अगर आप उसमें पास हो गए तो आप मेंस दे सकते हैं फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में बता देना कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया। तो ये जो पेपर होते हैं फ्रेंड्स मेंस में 9 होते हैं प्रीलिम्स में 2 होते हैं। ये टोटल मिला के 11 हो जाते हैं। अगर आप इन 11 में पास हो जाते हैं 11 पेपर होते हैं इनमें सभी में आप पास हो जाते हैं तो आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे मतलब कि कितने पेपर होते हैं मेंस में क्या होता है और प्रीलिम्स में क्या होता है। लेकिन आपको डिटेल में इनके सिलेबस को जानना है फ्रेंड्स कि जो पेपर 1 है इसमें क्या आता है पेपर 2 में क्या आता है मेंस के 9 जो पेपर होते हैं उनमें अलग से आपको डीपली अगर सिलेबस जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि इस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो आप अगले 2 दिन में आपको जो इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम डीपली ये बताएंगे कि सिलेबस में क्या आता है कैसे करना है कैसा पेपर आता है यूपीएससी का इसमें सिलेबस क्या रहेगा ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।